टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है, चौथे टेस्ट मैच में 5 विकेट से हरा दिया है और तारीफ करनी पड़ेगी ध्रुव चुदेल और शुभमन गिल की। दोनों ने पारी को ऐसा संभाला कि यहाँ पे टीम इंडिया को 5 विकेट से जिता दिया और सीरीज जो अपने नाम कर लिए 3-1 से। और ये बहुत बड़ी सीरीज जीत है क्योंकि यहाँ पे युवा टीम थी, युवा टीम ने जो है एक एक्सपीरियंस इंग्लैंड टीम को हराया है। आप सोचिए कि जिस टीम में रूट हो, स्टोक्स हो, बेस्ट हो, ओली पोप हो, जैक क्रॉली, बेन डकेट, इतनी एक्सपीरियंस टीम हो और उसमें दूसरी टीम अगर आप देखें इंडिया की, जयसवाल और सरफराज खान, रजत पाटीदार, ध्रुव चुदेल, आकाशदीप, जो इतनी यंग साइड हो वो उस टीम ने करके दिखाया है। इस टीम ने करके दिखाया है रोहित शर्मा की कप्तानी में। ये बड़ी अच्छी खेली है टीम और जिस तरीके से खेली है मैं समझता हूँ सभी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं टीम इंडिया की। 3-1 से जो सीरीज जीती है वो बहुत बड़ी है और ये मायने रखता है कि यहाँ पे WTC के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था मुकाबला। और ये मुकाबला अंडर प्रेशर थी टीम इंडिया, क्योंकि 2 दिन जब मैच खत्म हुआ था दूसरे दिन का, तो टीम इंडिया 219 पर 7 विकेट गंवाकर संकट में थी और इंग्लैंड के स्कोर को 134 रन पीछे थी। लेकिन तीसरे दिन ऐसा टर्न अराउंड हुआ कि यहाँ पे चौथे दिन मुकाबला जीता तो टीम इंडिया ने जीता। ये तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी टीम इंडिया उस मुकाबले में जीत जाएगी, लेकिन टीम इंडिया ने करके दिखाया, टीम इंडिया ने करके दिखाया कि यहाँ पे टीम इंडिया को इंडिया में हराना इतना आसान नहीं है जितना वो समझते हैं, इतना आसान नहीं है। चाहे वो रांची टेस्ट हो, चाहे वो वाइजैप हो या फिर राजकोट हो, कोई सा भी टेस्ट मैच आप देख लें, इंडिया को इंडिया में हराना इतना आसान नहीं है। तो ये था मैं आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। नमस्कार।